एक भाई का कमेंट आया था कि सर मैं हूँ बिहार का, लेकिन मेरा जो बोर्ड है मैं बचपन से रहा हूँ झारखंड में, तो झारखंड बोर्ड का सर्टिफिकेट है, मैट्रिक इंटर का बीए का झारखंड बोर्ड का सर्टिफिकेट है, लेकिन मैं हूँ बिहार का, मेरे पास जो आवासीय है बिहार का है। चूंकि मैं बिहार का हूँ तो मेरा आवासीय बिहार का है, तो क्या मैं फॉर्म भरते समय मूल निवास है क्या बिहार भरूंगा या मूल निवास झारखंड भर के झारखंड का आवासीय बनवा लेंगे, ताकि अगर मेरा वेरिफिकेशन हो, जैसे मेरे पास अगर मैट्रिक का इंटर का सब एक साथ मैच हो जाए, क्या इस तरह का संभव है? नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आपको इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, इस तरह का कंफ्यूजन है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस तरह का सवाल आपके मन में है तो मैं इस मिथ को आज क्लियर कर देता हूँ। देखिए, किसी भी बोर्ड का क्वालिफिकेशन जो होता है, मान लीजिए आप मैट्रिक इंटर बीए जो भी पढ़ाई किया है, किसी भी बोर्ड से किया है, देश के किसी भी राज्य के किसी भी बोर्ड से किया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आवासीय आप वहां से बनवाइए जहाँ का आपका निवास है, जहाँ से आपका बचपना है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि बचपना आपका बिहार से है, आप जाके महाराष्ट्र में रह रहे हैं 25-30 साल से, सब कुछ वहां से है, लेकिन मूल निवास आप फॉर्म भरते समय मूल निवास भर दीजिए बिहार का, और वेरिफिकेशन आए तो आपका यहाँ पे कुछ नहीं मिले, तो वो फर्जी हो जाते हैं। अगर आपने 15-20 साल से आप झारखंड में रह रहे हैं और झारखंड में आपका सब कुछ घर बार अपना हो गया है, सब कुछ वहाँ पे आवासीय भी वहाँ का बनवा लिए हैं, तो बेहिचक आप वहाँ का भर सकते हैं। लेकिन अगर आपका आवासीय वहाँ का नहीं है, सिर्फ क्वालिफिकेशनल डॉक्यूमेंट वहाँ का है, अगर मूल निवास आपका रियल में अभी भी बिहार में है, तो आप फॉर्म भरते समय अपना मूल निवास बिहार भर सकते हैं, बशर्ते आपका जो आवासीय रहेगा बिहार का ही होगा। और वेरिफिकेशन जब आता है, जब भी आए, नौकरी लगने के बाद आए, चाहे नौकरी अभी प्रोसीजर में है, लगने के बाद ही प्रोसीजर होता है, वेरिफिकेशन होता है। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि भर देते हैं, छोड़ो यार कहीं भर दो, अगर हम मान लीजिए कि हम झारखंड में हैं, झारखंड का अगर आवासीय नहीं भी है तो डुप्लीकेट बनवा लेते हैं और भर देते हैं कि अरे छोड़ो यार होना जाना तो है नहीं। लेकिन जब वही हो जाता है, नौकरी नौकरी पूरा क्लियर हो जाता है और वेरिफिकेशन आवासीय वेरिफिकेशन होता है, उसमें पकड़ खा जाते हैं, तो बड़ी मुश्किल होता है, तब उनको अफसोस होता है कि गलती कर दिया हमने, अपना आवासीय जहाँ का था वहीं भरना चाहिए। तो इस तरह समस्या इतना हो जाता है कि 2-4 साल नौकरी करने के बाद भी आपका नौकरी जा सकता है। तो मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका आवासीय जहाँ का है, जहाँ से आपने जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है, चाहे जो भी है, आपका घर अगर बिहार में है, 2-5-10 साल के लिए वहाँ पर रहे, अगर मैट्रिक इंटर बीए मतलब क्वालिफिकेशनल डिग्री आपने दूसरा स्टेट से लिया है, कोई मतलब नहीं है, आप अपना स्टेट जहाँ आपका रियल में निवास है वहाँ का निवास बनवाइए और फॉर्म में भरते समय रियल स्टेट डालिए, ताकि आपको वेरिफिकेशन के समय प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे दोस्तों को देखा गया है 2017 के भर्ती 2022 में उनको टर्मिनेट कर दिया गया नौकरी से, सिर्फ गलती उनका यही था कि उन्होंने तो क्वालिफिकेशन मध्य प्रदेश का था, लेकिन आवासीय भी उन्होंने मध्य प्रदेश का बनवा लिया, जब वेरिफिकेशन होने गया तो मध्य प्रदेश में उनका कोई नाम और निशान नहीं रहा। दूसरी बात ये हो जाती है कि बहुत सारे स्टेट में, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ का कटअप कम जाता है। बहुत सारे दोस्त सोचते हैं कि अरे पैसा दे के आवासीय बनवा लेंगे, वहाँ का कटअप कम जाएगा, हमारा नौकरी हो जाएगा। अब इस लालच में अगर नौकरी हो भी गया तो देखिए, 4-5 साल नौकरी होने के बाद जब भी वेरिफिकेशन में आप पकड़ा खाइएगा कि आपने आवासीय गलत बनवाया था, आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, तो उस समय आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी वीडियो में मैं ये भी बात क्लियर कर देता हूँ, लेकिन मान लीजिए कि अगर गलती से आपने दूसरे स्टेट का आवासीय लगा के कटअप कम गया और आपने नौकरी कर लिया, बाद में आपने टर्मिनेट हो गया, तो फिर से आप दोबारा एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म ही नहीं भर पाइएगा, बेहिचक का फॉर्म भर सकते हैं, आप फिर से पूरा प्रोसीजर होने के बाद आपका हो जाता है, तो आप आराम से एसएससी जीडी में कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार फर्जी में पकड़ा गया, फर्जी मतलब गलती से ही फर्जी हुआ था, पकड़ा गया, तो ऐसा नहीं है कि दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते, आप फॉर्म भर सकते हैं दोबारा, फिर से नया से प्रोसीजर शुरू करके आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।